रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। आज शाम 7 बजे से होगी ये बैठक। नेता प्रतिपक्ष रविदास महंत के निवास पर यह बैठक होगी और बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनेगी। बड़ी खबरों आपको बता रहे हैं, जहां पर बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने की विपक्ष की रणनीति के लिए बैठक शाम 7 बजे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम 7 बजे होगी बैठक। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर शरदास महंत के निवास पर यह बैठक आयोजित की गई है। बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। चूंकि विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में सरकार को घेरने के लिए तमाम तरह की तैयारी विपक्ष के द्वारा की जा रही है, और इसी के तहत आज शाम विधायक दल की बैठक। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं रायपुर से सहयोगी हेमंत शर्मा। हेमंत, विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इसमें सत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है, साथ ही ये भी जानूंगा विपक्ष की क्या तैयारी है। पहला सत्र है और देखा जाए तो सभी नए नवेले विधायक पहुंचेंगे, मंत्री पहुंचेंगे, किस लिहाज से सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारी है? देखिए दीपक, बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। 1 मार्च तक ये जो सत्र है वो चलेगा और जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक 20 बैठकें इस सत्र के दौरान होंगी। ये बजट सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि नई सरकार का ये पहला बजट होगा और एक तरीके से ओवरऑल तरीके से अगर देखें तो ये विधानसभा का प्रॉपर सत्र होगा नई सरकार के बाद। और इसमें 9 फरवरी को 12:30 बजे जो बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे राज्य का, ये क्लियर हो जाएगा कि बजट किस तरीके से छत्तीसगढ़ में आने वाला है। और खासतौर पर तैयारी इसको लेकर पहले से ही की जा रही थी, अलग अलग विभागों की बैठक वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ली। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार होगा विपक्ष की मुख्यमंत्री के अलावा कोई दूसरा मंत्री यहाँ पर बजट पेश करेंगे। खासतौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभालते आ रहे थे छत्तीसगढ़ में, चाहे वो रमन सिंह की बात हो, चाहे भूपेश बघेल की बात हो, चाहे वो अजीत जोगी की बात हो, सभी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करते रहे विधानसभा में। लेकिन इस बार परंपरा बदली है, इतिहास बदला है और बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। देखिए, ये आज से जो बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, राज्यपाल का अभिभाषण आज होगा 11 बजे और उसके बाद जो बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी यहाँ पर पुनर्स्थापन करेंगे अनुपूरक बजट का, और उसके बाद संभवतः आज की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर स्थगित की जाएगी। कल फिर से सदन चालू होगा और 7 और 8 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, उसके बाद 9 फरवरी को बजट होगा। और काफी तैयारी भी सरकार की ओर से हुई है, पहला बजट है और अच्छे तरीके से बजट पेश हो उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी चला। और खासतौर पर कल बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई, ज्यादातर नए विधायक जुट कर आए हैं तो उनको ये टिप्स दिया गया बड़े नेताओं के द्वारा। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश भी उस बैठक में मौजूद थे और सभी को ये जानकारी दी गई कि किस तरीके से राज्यपाल को अभिभाषण पर अपनी बात रखनी है, किस तरीके से बजट पर अपनी बात रखनी है, ये तमाम दिशा निर्देश नए विधायकों को दिया गया है। और जो वरिष्ठ विधायक है उनका भी मार्गदर्शन वहां पर हुआ। और दूसरी ओर बात की जाए विपक्ष की, कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी काफी तैयारी की है। चूंकि आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी तो आज शाम को 7 बजे विधायक कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के निवास में और रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से सरकार को सदन के अंदर घेरा जाए, चाहे वो मातारी वंदन योजना की बात हो, चाहे अन्य मोदी की गारंटियों की बात हो, इसके जरिए सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिश होगी। लेकिन ये सत्र में जो प्रश्नकाल होगा वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा दीपाल, क्योंकि ज्यादातर जो प्रश्न लगे हैं वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के हैं। महाभियोग को लेकर प्रश्न लगा है, जल जीवन मिशन को लेकर प्रश्न लगा है। निश्चित तौर पर ये जो 20 बैठकें होंगी उसमें हंगामेदार यहाँ पर जो सत्र है वो देखने को मिलेगा। जी, तमाम जानकारी साझा करने के बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमंत।